गुड मॉर्निंग आई लव यू। कल हम लोगों ने मापन व मात्रक का चैप्टर स्टार्ट किया था, है ना। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि भौतिक राशि, है ना, किसे कहते हैं। तो जिस वो राशि जिसका मान क्या करते हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे राशि क्या कहलाती थी, भौतिक राशि, है ना। दो प्रकार का था, हम लोग देखे थे क्या क्या था। एक मूल राशि था और दूसरा क्या था आप लोग का, ये उत्पन्न राशि, है ना। राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। तो मूल राशि क्या था कि मूल राशि उन भौतिक राशि को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, है ना। जबकि व्युत्पन्न राशि क्या होगा, वह राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न होती हैं वो क्या कहलाती थी, व्युत्पन्न राशि। इसका उदाहरण हम लोग देखे थे लंबाई था, है ना, मूल का द्रव्यमान था, समय था। जबकि व्युत्पन्न राशि का क्षेत्रफल, वेग, ऐसा ले सकते हैं, ठीक। अब हम लोग का वास्तव में जो हम लोग का चैप्टर क्या है, मापन और मात्रक है। तो मापन हम लोग वास्तव में मापन की आवश्यकता क्यों हुआ, तो किसी भी हम लोग को चीज़ को अगर मापना है ना, उसका मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग को मापन की आवश्यकता होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग फिर से देखे थे कि यहाँ पे जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, दो प्रकार से बांटा गया था, है ना। मात्रकों को कितने भागों में बांटा गया था, दो प्रकार से, है ना। जिसमें से पहला क्या था आप लोग का, मूल मात्रक, और दूसरा क्या था, व्युत्पन्न मात्रक। तो आप लोग का जो मूल मात्रक होता है वो क्या होता है जी, सेम होगा वे मात्रक जो किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मूल मात्रक। या वे मात्रक जो स्वतंत्र होती हैं वो क्या कहलाती हैं, मूल मात्रक। और वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करती हैं या किसी दूसरे मात्रकों पर निर्भर करती हैं क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। दोनों में तीन अंतर है, आप लोग को अंतर को लिख लेना था, है ना। उसके बाद हम लोग को पद्धति देखी थी, मात्रकों के कई सारी पद्धति होती है कल की क्लास में, है ना। जिसमें से सबसे पहला FPS, फुट पॉन्ड सेकेंड, है ना। दूसरा था CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरा था MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और लास्ट था SI, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने चारों पद्धति देखे थे, चारों अलग अलग, है ना, जगह से आया था। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि ये जो हम लोग का मूल मात्रक होता है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया था जी, कल की क्लास में देखे थे 7 भागों में। क्या क्या था बताया था, पहला लंबाई था, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, संकेत स्मॉल एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी, समय का सेकेंड होता है एस से, है ना, ताप का केल्विन, केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है इसीलिए हम कैपिटल के, है ना, विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल ये, ज्योति तीव्रता का कैंडला CD, पदार्थ के मात्रा मोल, और दो पूरक मूल मात्रक होते हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का रेडियन होता है ना, और घन कोण का होता है स्टेरेडियन। इस प्रकार 7 मात्रक और 2 पूरक मात्रक, टोटल 7 हम लोग बोल सकते हैं, 9 मूल मात्रक होते हैं, बाकी 7 आप लोग को इसको याद कर लेना, ये हमेशा काम आता है, ठीक। उसके बाद ये याद रखेंगे, कुछ आप लोग के लिए नोट है कि मात्रकों की संकेतों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से, देखो ना, स्मॉल एम, है ना, KG, इस प्रकार दर्शाते हैं। हमेशा छोटे से संकेतों को हमेशा एक वचन रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब कि एक वचन जैसे कि 10 मीटर 20 किलोग्राम लिखना चाहिए, है ना, इसको 10 ms लिखना नहीं चाहिए। कहने का मतलब 10 के बाद केवल मीटर लिखना चाहिए, किलोग्राम लिखना चाहिए, मीटर सेकंड एक साथ नहीं लिख सकते, है ना। उसके बाद मात्रकों के आगे कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे 4 मीटर ऐसे लिखना है, 4 मीटर यहाँ पे डॉट या डैश ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है। मात्रकों का पूरा नाम अंग्रेजी लिखते समय समस्त छोटे अक्षरों होना चाहिए, है ना, जैसे कि मीटर किलोग्राम। अगर कोई वैज्ञानिक का नाम आएगा तो उसको कैपिटल से, जैसे एम्पियर और केल्विन, है ना। तो 7 होते हैं, 7 को आप लोग को याद रखना है। 7 का अलग अलग टाइप का परिभाषा होता है, है ना। जिसमें से हम लोग पहला परिभाषा देखेंगे मीटर का। तो आप लोग को जब 10 पढ़ते हो गए, है ना, मैं किसका परिभाषा पहले बताऊंगा, 1 मीटर किसे कहते हैं, ठीक। इसका परिभाषा 1 मीटर का, तो जैसे कि आप लोग का पहले बेसिकली 10 पढ़ते हैं, हम लोग का रोल नंबर 9 होता है। तो मैं जब 10 पढ़ता था मेरा रोल नंबर था 29 97 92 458। कितना था मेरा रोल नंबर जी, जब मैं 10 पढ़ता था तो
29, 97, 92, 458। तो अगर प्रकाश जो है 1/29, 97, 92, 458 सेकेंड में चली गई दूरी, मतलब प्रकाश द्वारा, प्रकाश जो है 1/29, 97, 92, 458 सेकेंड में निर्वात में जो चली गई दूरी क्या कहलाता है, 1 मीटर कहलाता है। 1 मीटर हम लोग वास्तव में इतना होता है ना, मान के चलते हैं इतना 1 मीटर है, लेकिन 1 मीटर का परिभाषा कैसे देंगे कि अगर प्रकाश जो है निर्वात में कितना चलता है, 1/29, 97, 92, 458 सेकेंड का दूरी तय करता है कि, है ना, तो क्या कहलाता है, 1 मीटर। किसमें प्रकाश जो है 1/29, 97, 92, 458 सेकेंड में निर्वात में चली गई दूरी, कि इतने सेकंड में जितना वो दूरी चेक करता है निर्वात में, क्या कहलाता है, 1 मीटर। इसको याद रखेंगे, रोल नंबर को बन जाएगा, है ना। दूसरा चीज़ है आप लोग का 1 किलोग्राम। दूसरा परिभाषा किसको देखेंगे हम लोग का, किलोग्राम। 1 किलोग्राम में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें एक कहानी है आप लोग का, है ना। आप लोग को 11th में एक जगह हम लोग लेके जाएंगे, है ना। कहाँ लेके जाएंगे, फ्रांस। एक जगह कहाँ लेके जाएंगे, फ्रांस। सब सुने होंगे, है ना। फ्रांस में हम लोग एक जगह आप लोग को लेके जाएंगे, फ्रांस तो एक देश का नाम है ना, वहाँ पे कौन सा जगह, सेवरस। कहाँ पे, फ्रांस में एक जगह है पेरिस। कौन सा जगह, फ्रांस का पेरिस ना। तो फ्रांस में पेरिस के निकट क्या है, सेवरस नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा कंपनी है, माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में सुरक्षित रखी। कौन सा है वो, माप और तौल, क्या है जी आप लोग का, माप तौल। बहुत बड़ा एक ब्यूरा है, कंपनी बोल सकते हैं। वहाँ पे ना क्या बनाया जाता है जी, प्लेटेनियम इरिडियम, है ना। प्लेटेनियम और इरिडियम का मिश्र धातु बनाया जाता है। तो इन दोनों की मिश्र धातु से जो बेलन बनेगा, उसका जो द्रव्यमान होगा, वो द्रव्यमान क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम, है ना। तो हम लोग 11 में कहाँ घूमने जाएंगे, फ्रांस। फ्रांस में कहाँ जाएंगे, फ्रांस की कौन सा जगह, पेरिस। पेरिस के पास में कौन सा, सेवरत नामक स्थान, जहाँ पे कौन सा ब्यूरो है जी, माप तौल का एक अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो है, जिसमें क्या बनाया जाता है, प्लेटिनियम और इरिडियम मिश्र धातु का बेलन बनाया जाता है। उसके द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, 1 किलोग्राम। आप लोग का समझ में आ गया होगा कि फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर माप तौल अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु का बेलन बनाया जाता है, उसके द्रव्यमान को कहा जाता है 1 किलोग्राम, ठीक। तो ये 1 किलोग्राम का परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, ये दूसरा था, ये पहला था, तीसरा है आप लोग का सेकेंड, है ना। 1 सेकेंड, दोनों तो क्लियर होगा, 1 मीटर है ना। 1 मीटर में रोल नंबर को याद रखेंगे मेरा, और 1 किलोग्राम में हम लोग का जहाँ घूमने जाएंगे उसको याद रखेंगे, याद हो जाएगा, है ना। 1 सेकेंड में क्या है, आप लोग को तो मेरा एक मोबाइल नंबर पता है ना, सबको मेरा कौन सा पता है, 930-11-93-740, ये सबको पता है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और एक नंबर है मेरा, नंबर याद कर लेंगे, क्या है जी, 91-92-63-17-70, याद हो गया, 91-92-63-17-70। किसका नंबर है जी, फिजिक्स सर का, क्या है, 91-92-63-17-70, ठीक है। तो ये वास्तव में फिजिक्स सर का नंबर नहीं है, ये किसका नंबर है, सेकेंड का, है ना। सेकेंड का परिभाषा आएगा कि 1 सेकेंड क्या होता है, कि वह समय है जिसमें परमाणु घर या सीजियम 133 परमाणु, जो हम लोग का सीजियम होता है ना, सीजियम परमाणु कितना कंपन करता है, 91-92-63-17-70 कंपन करता है। कोई भी सीजियम 133 जो परमाणु होता है, केमिस्ट्री में सीजियम सुने होगी, है ना। सीजियम 133 परमाणु 91-92-63-17-70 बार कंपन करेगा तो क्या कहलाता है, 1 सेकेंड, ठीक। सीजियम 133 परमाणु कितना बार, 91-92-63-17-70 बार अगर कंपन करेगा तो 1 सेकेंड कहलाता है। ये आप लोग का 91-92-63-17-70 क्या है, है ना, मोबाइल नंबर है मान के चलो। मीटर क्या है, रोल नंबर है ना। किलोग्राम क्या है आप लोग का,
फ्रांस घूमने गए थे, वहाँ का आप लोग की कहानी है। इस प्रकार तीनों परिभाषा बन जाएगा। चौथा है केल्विन, है ना। केल्विन मतलब ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, है ना। तो केल्विन हम किसको बोलेंगे, जल का जो त्रिक बिंदु होता है, याद रखना। जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में भी, द्रव अवस्था और गैस अवस्था में भी। तो जल की जो त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप, मतलब जल का जो त्रिक बिंदु होता है उसका ताप 1/273.15 या 16 वे भाग को, जल का जो त्रिक बिंदु है उसका 1/273 भाग को क्या कहा जाता है, एक केल्विन कहा जाता है, है ना। पांचवा है कैंडेला। तो आप लोग को देखना है एक कैंडेला मतलब कि आप लोग का एक कैंडेला का परिभाषा क्या होगा। तो जब 540×10^12 कितना, 540×10^12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश, कितने हर्ट्ज, है ना, 540×10^12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत किसी दिशा में कितना, 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन। बताया था स्टेरेडियन किसका मात्रक होता है, घनकोण का, है ना। 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है। भूल जाओ सब, प्रकाश क्या करते हैं, जब 540×10^12 हर्ट्ज का कोई प्रकाश स्रोत, मतलब कि कोई प्रकाश क्या करता है किसी दिशा में, मतलब ऐसे आगे बढ़ रहे हैं और 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन का अगर विकिरण तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में प्रकाश स्रोत की तीव्रता की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला होती है। मतलब जब कोई प्रकाश 540×10^12 मतलब कि जब 540×10^12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश, प्रकाश की आवृत्ति कितना है, 540×10^12 इस प्रकार आपतित हो रहा है कि 1/683 वाट का अगर क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो क्या कहलाता है, वो एक कैंडेला कहलाता है। 540×10^12 हर्ट्ज से वो आगे बढ़ रहे हैं और 1/683 वाट का प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं, समझ सकते हैं ना। मतलब जब 540×10^12 हर्ट्ज आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत ना 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरणता का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो क्या कहलाता है आप लोग का, एक कैंडेला कहलाता है। इसके बाद दो चीज़ और बच गया है ना, उसके बाद क्या होता है, एक एम्पियर। एक एम्पियर क्या होता है, एक एम्पियर वह विद्युत धारा जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, मतलब ये पहला है और ये दूसरा है, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। दो सीधे, ये सीधा है, एक दूसरे के समांतर है, दोनों की लंबाई, तीर का निशाना मतलब कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, अनंत तक जा सकता है, है ना। तो इनके मध्य की लंबाई में कितना बल लगेगा, 2×10^-7 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, तो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में, मतलब जहाँ पे वायु नहीं है, जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे समांतर और अनंत लंबाई के तारों में प्रभावित होने पर उनके मध्य 2×10^-7 न्यूटन बल उत्पन्न करता है। दो तार लेंगे, दोनों सीधे होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, अनंत लंबाई के होने चाहिए, तो उनके बीच में अगर 2×10^-7 बल अगर उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। कुछ चीज़ आप लोग को याद भी रखना है ना। उसके बाद है 1 मोल। तो केमिस्ट्री में पढ़े हुए ना, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा होता है जो आप लोग का कितना होता है, पढ़े हो कि 6.023×10^23 परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाता है ना। 1 मोल का अर्थ है 6.023×10^23 कणों का समूह, है ना, या इसी को बोलते हैं 22.4 लीटर ऐसा, जो भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार सातों का परिभाषा आप लोग को अलग अलग टाइप का मिला हुआ है, जिसमें से आप लोग का क्या है, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, है ना, उसके बाद 1 सेकेंड, 1 केल्विन, 1 कैंडेला, 1 एम्पियर, 1 मोल, जो डाउट है आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद आप लोग को एक ट्रिक है, वो रोल नंबर वगैरह है ना, फ्रांस जगह का नाम था, एक मोबाइल नंबर आप लोग को याद भी करना है, इसमें थ्योरी है। उसी प्रकार आप लोग का जो रेडियन होता है और स्टे रेडियन,
इसका भी परिभाषित कर सकते हैं। बाकी हो गया हम लोग के सातों मूल मात्रक से अलग है, तो ये हम लोग का सिलेबस में नहीं दिया रहता है ना, एग्जाम में भी नहीं आता है। आप लोग का मुख्यतः मीटर किलोग्राम सेकेंड का ज़्यादातर पूछा जाता है, इन तीनों को अच्छे से देख लेंगे और सातों का परिभाषा लिखना है ना। और जिसका याद हो जाएगा वो क्या करोगे आप लोग, ऑडियो के द्वारा मेरे पास भेजना है। धन्यवाद।